विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् आत्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं एवाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में चेतन के बारे में बताते हैं, ठीक है। क्या चेतन देह के अंदर है, या कहीं बाहर है, चेतनता, इसको बहुत कम लोग समझते हैं, ठीक है। एक प्रश्न हम उठाते हैं, जो दृश्य होता है वो दृष्टा नहीं होता, और जो दृष्टा होता है वो दृश्य नहीं होता। इतना समझ में आया? ये मोबाइल मान लो हमारे सामने है, ये कभी दृष्टा नहीं हो सकता है, वो हमेशा दिखेगा, और आत्मा कभी दृश्य नहीं हो सकता, ठीक है, वो देखेगा। ये अलगाव धर्म में भी जरूरी है, और भक्ति में भी जरूरी है, योग में भी जरूरी है, और ज्ञान में भी जरूरी है। धर्म में यदि देह से आत्मा को जुदा नहीं समझोगे तो धर्म का फल मृत्यु के बाद भी मिलता है, ठीक है। और यदि उपासना में भी देह को अलग से नहीं समझोगे तो मृत्यु के बाद वैकुंठ और गोलोक में जाओगे, ये बात कैसे समझोगे। योग में भी शरीर से अलग आत्मा को नहीं समझोगे तो मैं समाधि का दृष्टा हूँ ऐसा अनुभव करके कैवल्य कैसे होगा। वेदांत में भी यदि शरीर से अलग आत्मा को नहीं समझोगे तो ब्रह्म किसको समझोगे। देह से अलग आत्मा है उसको ब्रह्म समझा जाता है। आजकल के पढ़े लिखे नौजवान ये लौकिक दृष्टा को ही दृष्टा समझते हैं, परमार्थ में दृष्टा का क्या स्वरूप है नहीं समझते हैं। वे समझते हैं कि देह के भीतर बैठा हुआ आँख से देखने वाला, कान से सुनने वाला, जीभ से चखने वाला, मन से सोचने वाला, बुद्धि से विचार करने वाला, ये इंद्रियों से मन से युक्त मैं हूँ, देखने वाला यही दृष्टा हूँ, ठीक है। लेकिन इसको लौकिक दृष्टा बोलते हैं, ये असली दृष्टा नहीं है, ये नकली दृष्टा है। असली दृष्टा कौन है? बिना ज्ञानेंद्रियों के, बिना कर्म किए, बिना मन से राग द्वेष किए, बिना अहंकार के, बिना अंतःकरण की वृत्तियों के, इस देह के बिना तुम कैसे चेतन हो, ठीक है। क्या चेतन हो, ये विचार आवश्यक है। इस देह के बिना तुम कैसे चेतन हो, क्या चेतन हो, ये विचार करना चाहिए। जब तक देह की गोद में चेतन बैठा हुआ है तब तक वो चेतन नहीं हो सकता। अगर वो तो फिर देह का बच्चा है ना, वो देह में पैदा हुआ और देह में ही रह रहा है, वो कर्म का कर्ता बना हुआ है, वही मन से सोचने वाला बना हुआ है। अगर आप भांग या शराब का सेवन करने से मन विभिन्न प्रकार से प्रतिक्रिया करने लगता है, इसका अर्थ है कि मन जड़ वस्तुओं से बना हुआ है। ये जो असली देखने वाला चेतन है ये बिल्कुल असंग और उदासीन है। इस असंग और उदासीन को सांख्य की दृष्टि से विभू माना जाता है, और योग की दृष्टि से भी विभू माना जाता है, मतलब व्यापक माना जाता है। लेकिन वेदांत की दृष्टि से तो इसको आद्वितीय ब्रह्म जाना जाता है। योग दर्शन और सांख्य दर्शन का जो दृष्टा है वो देह से परिच्छिन्न नहीं है, विभू है, माने व्यापक है। इसको नित्य भी मानते हैं, ठीक है। अच्छा, विभू और नित्य में क्या अंतर है ये आपको जानना चाहिए। नित्य उसको कहते हैं जिसको काल काट नहीं सकता, विभू उसको कहते हैं जिसको पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बाहर भीतर काट नहीं सकते, ठीक है। व्यापक को ही विभू कहते हैं और अविनाशी को नित्य कहते हैं। यहाँ ये समझो कि जड़ वस्तु से अलग रहकर दृष्टा वस्तु को देखता है, ये सांख्य और योग का सिद्धांत है, वेदांत का सिद्धांत है कि दृष्टा देश काल वस्तु से परछिन्न मतलब अलग नहीं है, ये आद्वितीय ब्रह्म है, इसलिए वस्तु से भी परछिन्न नहीं है, अद्वय ब्रह्म है। वेदांत और सांख्य योग के दृष्टा में अंतर है। देह के भीतर दृष्टा को मैं मानकर बैठना, यह तो दृष्टा का कोई विवेक नहीं है।
बेवकूफी है, दृष्टा ना मूलाधार में रहता है ना आज्ञा चक्र में रहता, देह के अंदर किसी चक्र में या किसी गांठ में आत्मा या दृष्टा फंसा हुआ है, ऐसा मानना एक कल्पित मान्यता है। सांख्य और योग कहते हैं प्रत्येक दृष्टा विभू है, नित्य है, माने न काल में पैदा हुआ न मरता है, एक परमाणु होता है, है? इसको छह मतलब सिक्स ओर से दिशा में घेरती है ना परमाणु को, क्योंकि वो परछिन्न है। मैं अपने आप को परछिन्न अन्य से अलग मानता हूँ, इसलिए निराकार पूर्ण ईश्वर मुझसे अलग मालूम पड़ता है। अगर हमारी परछिन्नता मिट जाए, ये पृथकता मिट जाए, तो निराकार अद्वय परिपूर्ण परमात्मा से हमारी एकता हो जाए, यही चेतन है। पहले ये विवेक करो कि भेद दृश्य में होता है, दृष्टा में नहीं। जो भिन्न है वो दृश्य है तथा दृष्टा में भेद नहीं है, तो दृष्टा से सृष्टा भिन्न कैसे होगा? ठीक है, जब दृष्टा सृष्टा चेतन रूप से एक हो गए तो दृष्टि सृष्टि एक हो गई, तब सृष्टि परिणाम नहीं रही, सृष्टि क्या हो गई? विवर्त हो गई। विवर्त हो गई, यही दृष्टि सृष्टि एक हो गई। ठीक है, सृष्टि विवर्त का मतलब सृष्टि बिना हुए ही आद्वितीय दृष्टा में भास रही है, प्रतीत हो रही है, दिख रही है। फिर दृष्टा से पृथक न दृष्टि है न सृष्टि है। ठीक है, दृष्टा में दृष्टि आरोपित है, दृष्टा की अपेक्षा से दृष्टा का दृष्टापना भी आरोपित है, एक अद्वितीय परम तत्व जिसको न दृष्टा कह सकते हैं, न सृष्टा कह सकते हैं, न दृश्य कह सकते हैं, न ही दृष्टि कह सकते हैं। जो आवांग मनस अगोचर है, आत्म तत्व है। ठीक है, यही वेदांत का सिद्धांत है, इसको समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, आशा है आपको ये जरूर समझ में आएगा, मैंने बहुत सरल शब्दों में इस कठिन की व्याख्या की है। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।